खबर उत्तराखंड के कोटद्वार से है, जहां पर 24 लाख की धोखाधड़ी करने वाले कोटद्वार नगर निगम पार्षद और महिला ठेकेदार को गिरफ्तार किया गया। बताया जा रहा है कि नगर आयुक्त नगर निगम कोटद्वार किशन सिंह नेगी ने 14 अक्टूबर 2022 को कोतवाली कोटद्वार में रिपोर्ट दर्ज कराई कि नगर निगम कोटद्वार से वर्ष 2017-18 में करीब 24 लाख की धनराशि निगम के में काम करने वाले ठेकेदारों के खातों में भुगतान किया गया, जिसके संबंध में केवल एक पत्रावली वर्ष 2017-18 में कार्य करने के पश्चात भुगतान हो चुका था। तत्कालीन अकाउंटेंट पंकज सिंह रावत द्वारा धोखाधड़ी व कूट रचना का पुनः वर्ष 2021 में उस कार्य का भुगतान 17,73,886 की धनराशि ठेकेदार सुमित्रा देवी को जो है दी गई। बता दें, अभियुक्ता सुमित्रा देवी और अभियुक्त कुलदीप सिंह को गिरफ्तार इस मामले में कर लिया गया है। अभियुक्त पंकज सिंह फरार चल रहा है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम लगातार सर्चिंग कर रही है। कोटद्वार से राजेंद्र खंतवाल की रिपोर्ट। कोटद्वार की तरफ से एक मुकदमा पंजीकृत किया गया था, जिसमें उनका ये कहना था कि नगर निगम के कर्मचारी और कुछ लोगों बाहर के लोगों ने मिल करके फर्जी साइन करके कुछ चेकों के माध्यम से सरकारी धन का दुरुपयोग किया। इसमें हमारा 254/22 करके मुकदमा पंजीकृत हुआ, जिसमें 409, 420, 467, 468, 471, 120 भी करके धाराएं थी। तो आज दो लोगों को, एक जो ठेकेदार हैं और उनके साथ जो उनके एक सहयोगी हैं, उन दो को हमने अरेस्ट कर लिया। मेन अभियुक्त जो है, जो निगम के कर्मचारी, वो अभी फरार चल रहे हैं, उनके खिलाफ आगे की लीगल कार्रवाई चल रही है।